गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम लोग बात करते हैं कि कंसीडरेशन अदर देन कैश में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, इसके लिए आप एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। एग्जांपल क्या है? सोना लिमिटेड परचेज मशीन कॉस्टिंग ₹17 लाख फ्रॉम मोना लिमिटेड। सोना लिमिटेड पेड 20% ऑफ द अमाउंट बाय चेक एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट इज इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। पास से जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड। सो योर वर्किंग नोट क्लियरली। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सोना लिमिटेड परचेस कर रही है मशीन कितने का? 17 लाख रुपीज। और किससे परचेस कर रही है? मोना लिमिटेड से। तो पहले जब कंपनी ने परचेस किया है, किसने? इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड में क्या हो गई? पहले जब मशीन ने परचेस किया तो जनरेट क्या हो जाएगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू किससे परचेस किया उसने? मोना लिमिटेड से। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो गई? मशीन अकाउंट डेबिट अब देखो मशीनरी परचेस किया है, किससे परचेस करी है? मोना लिमिटेड। तो टू मोना लिमिटेड। ओके, अब देखिए कंपनी ने सोना लिमिटेड ने मशीनरी परचेस किया, किससे परचेस किया है? मोना लिमिटेड से। अमाउंट कितने की थी? 17 लाख। ₹17 लाख का तो मशीन परचेस किया, तो जनरल एंट्री क्या हो गया? बीइंग मशीनरी परचेस फ्रॉम मोना लिमिटेड, बीइंग मशीनरी परचेस फ्रॉम मोना लिमिटेड। यानी कंपनी ने जब मशीन परचेस किया तो कंपनी के यहां पे पहले क्या हो गया? इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड में मशीन अकाउंट डेबिट टू मोना लिमिटेड। अब कंपनी क्या कर रही है कि सोना लिमिटेड ने 20% जो ड्यू अमाउंट था, जिससे 17 लाख का 20% चेक के थ्रू पेमेंट किया। तो अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा? मोना लिमिटेड डेबिट टू बैंक। अब किसका 20% दिया? किस अमाउंट का? यहां नीचे वर्किंग नोट करते हैं, 17 लाख का। 17 लाख इंटू 20%, यानी इसका कितना अमाउंट पेमेंट किया? 3,40,000। यानी इतना अमाउंट किसके थ्रू पेमेंट किया? चेक के थ्रू। तो जनरेटी क्या हो गई? मोना लिमिटेड को पेमेंट करा, तो मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,40,000। तो नायसन क्या हो गया? बीइंग 20% अमाउंट पेड बाय चेक, बीइंग 20% अमाउंट पेड किसके थ्रू पेमेंट कर रहा? चेक के थ्रू, पेड बाय चेक। ओके, ये तो था कि 20% कंपनी ने क्या करती इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड में, सोना लिमिटेड ने परचेस किया, मशीन ने किससे परचेस किया था? मोना लिमिटेड से। तो सोना लिमिटेड की जनरेटी के यहाँ पे पहली जनरेटी क्या हो गई? मशीन ने अकाउंट डेबिट टू मोना लिमिटेड, किसने से? 17 लाख से। अब उसने क्या कहा है? और तो नेशन क्या हो गया? बीइंग मशीन ने परचेस फ्रॉम मोना लिमिटेड। अब मोना लिमिटेड को कितना अमाउंट पे कर रही है? जो ड्यू अमाउंट थी, यानी 17 लाख का कितना अमाउंट पे किया? 20%। तो 20% निकाला, 17 लाख का 20% कितना है? 3,40,000। यानी जनरेटी क्या हो गई? मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,40,000। तो नेशन क्या हो गया? बीइंग 20% अमाउंट पेड बाय चेक। अब तो कंपनी कह रही है क्या, इतना 20% पेमेंट कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट के लिए कंपनी क्या करी? बैलेंसिंग अमाउंट इशूड इक्विटी शेयर ₹100 ईच का है और एट ए प्रीमियम है 25%। तो किसको दे रही है? सोना लिमिटेड, मोना लिमिटेड को। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आएगी वो क्या जाएगा? इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड में नेक्स्ट एंट्री, अब थर्ड एंट्री क्या जाएगी? मोना लिमिटेड डेबिट मोना
डेबिट टू, अब क्या दे रही है, शेयर दे रही है, तो कौन से इक्विटी शेयर, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर क्या दे रही है, वो भी शेयर किस पे दे रही है, प्रीमियम पे, तो जनरल डिक्लेरेशन क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व अकाउंट। ओके, अब देखिए यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रही है, अब कंपनी को कितना शेयर इशू करना है, तो इसके लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, परचेस कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस। परचेस कंसीडरेशन का मतलब कौन सा हो गया, यानी कंपनी के पास 17 लाख रुपीज का तो मशीन परचेस किया था, लेकिन अमाउंट कितना पे कर दिया, 3,40,000। अब रिमेनिंग कितने अमाउंट पेमेंट करनी पड़ेगी कंपनी को, 13,60,000। अब इसके लिए कंपनी कर रही है कि शेयर इशू कर रही है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेगी, किसको, मोना लिमिटेड को, तो कितना आएगा, ये परचेस कंसीडरेशन में अब अमाउंट कितनी आ गई आपकी, 13,60,000। और इशू प्राइस में क्या हो गया कि कंपनी का एक शेयर था 100 का और 25% प्रीमियम पे, यानी यहाँ पे 100 की शेयर थी और कंपनी 25% प्रीमियम, यानी 100 का 25% निकाला तो कितना आ गया, 25 रुपीज। ठीक, अब इसको डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर फंड हो गए कितने आ गए, इससे डिवाइड करोगे तो आप, तो 10,880 ये क्या आ गई, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स, ये इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर, जैसे भी कंपनी करे, ठीक है, तो ये आ गए नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया, 10,880। अब कंपनी जो मोना लिमिटेड को देना कितना है, ड्यू अमाउंट क्या होगी, 13,60,000, 13,60,000। ओके, अब इसमें नंबर ऑफ शेयर कितना आ रहा है, 10,880, तो यहां पर लिखा 10,880 शेयर की फेस प्राइस कितने की है, 100 की है, तो इनटू 100। ओके, तो अब यहां पे आ गया 10,88,000, 10,88,000। अब कंपनी क्या कर रही है कि प्रीमियम कितने का, 25 का, नंबर ऑफ शेयर कितना है, 10,880, तो यहां पे लिखा 10,880 इंटू 25। ओके, तो यहां पे आया 2,72,000। फिर से हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या था, कि मोना लिमिटेड, सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड से परचेस किया था 17 लाख रुपीज का मशीन परचेस की थी, जिसमें 20% अमाउंट तो पेड किया था, और रिमेनिंग अमाउंट के लिए इसने क्या किया, शेयर इशू कर रही है कितने पे, वो भी शेयर की प्राइस 100 और 25% प्रीमियम पे। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन क्या किया, 17 लाख में से 3,40,000 तो चेक के थ्रू पेमेंट हो चुका है, तो रिमेनिंग कितनी अमाउंट पेमेंट करनी है, 13,60,000। तो 13,60,000 परचेस कंसीडरेशन हो गई, और शेयर की प्राइस कितने की थी, 100 की थी, तो 100 का 25% निकाला तो कितना आ गया, 25, तो 125 से किया तो कितना आ गया, 10,880 इक्विटी शेयर आ गई। अब तो हम लोगों ने क्या किया, मोना लिमिटेड को देना कितना था, 13,60,000। अब इक्विटी शेयर कितने का हो गया, 10,880 शेयर निकाला हम लोगों ने, और एक शेयर की प्राइस कितने की थी, 100 की, तो कितना आ गया, 10,88,000। अब प्रीमियम कितने का, 25 का, तो 10,880 इंटू 25 किया तो 2,72,000। तो नेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अब कितना शेयर दे रहे हैं आप, 10,880 शेयर इशू टू शेयर्स इशू, किसको इशू कर रहे हैं हम लोग, टू मोना लिमिटेड, ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। ओके, इस तरह से था कि कंपनी के कितने शेयर परचेस किया और कितने, सॉरी, इस कंपनी ने एसेट परचेस किया और एसेट परचेस करने में कितनी अमाउंट कैश के थ्रू पेमेंट की और कितने के लिए उसने शेयर इशू किया। ओके, अगर आपको ये चीज अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आपने कमेंट में सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।